अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआ से हम लोग भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग मदीना का सफ़र करके हम लोग घर आ चुके हैं और हम लोग वहाँ से चले थे सैटरडे हम लोग वहाँ से चले थे 1 o'clock पे दिन में, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं संडे को सुबह में पहुँचे हैं 5 बजे। तो फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा हरासमेंट हो गई थी, इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे कि हम लोग आके तुरंत सो गए, बहुत ज़्यादा थके थे। और यान के अबू को भी तो ड्यूटी भी जाना था, संडे को ड्यूटी करना था, तो वो तो थोड़ा सा सोए, 1.5 घंटा सोए और उठ के ड्यूटी चले गए। और हम लोग तो बहुत पहले उठ गए, मतलब बहुत लेट से उठ गए। मैं तो 12 बजे उठी हूँ दिन के, तो मैं बच्चों को नाश्ता बनाई हूँ और उन लोगों को नाश्ता कराएं। अभी काफ़ी टाइम हो गया, फिर थोड़ा आराम की, फिर अभी शाम को 4 बज गए हैं और इस टाइम मेरा घर का काम हो रहा है। तो देखिए, बच्चे भी हमारे दोनों, ये लोग भी बहुत लेट से उठे हैं ना यान। हाँ। तो बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे फ्रेंड, इतना लंबा सफ़र था, बहुत ज़्यादा, मतलब 14-15 घंटे की सफ़र करके आप तो समझ ही सकते हैं कितना हरासमेंट हो जाती है बैठ के आना जाना। तो अभी शाम को बज रहे हैं 4 और इस टाइम हमारी घर का काम हो रहा है, नाश्ता होने के बाद। नाश्ता 1 बजे तक हो गया है, 1-2 बजे तक फाइनली हो गया है और अब हमारा घर का काम हो रहा था। दिखाते हैं फ्रेंड, चलिए आप बने रहिए हमारे वीडियो पे और देखिए, एक शाम को 4 बजे घर का काम हो रहा है। देखिए, अभी हमने एक कमरा इधर सफाई कर लिए हैं हम लोग, हमारे बच्चे भी काफ़ी हेल्प किए हैं हमको। ऐमान सारे कपड़े ले आके वॉशरूम में रखे हैं, जितने कपड़े हम लोग वहाँ पे पहने थे सब कपड़े गंदे हो गए थे तो रखे हैं, और अयान भी काफ़ी हेल्प किए हैं। तो देखिए, एक रूम अभी मैं सफाई की हूँ और दूसरा बच्चों का भी रूम साफ हो गया है, काफ़ी फैल गया था, और मैं इधर सारे कपड़े अभी सब धुला हुआ कपड़े रखे हूँ फोल्ड करने के लिए। तो देखिए, ऐमान इधर बैठे हैं, अयान क्या कर रहे हैं आप? अयान भी टाइम पास कर रहे हैं, मम्मा तो सफाई में ही लगी हैं। देखिए फ्रेंड, कहीं आओ जाओ इतना मुश्किल है, लंबा सफ़र तो करना बहुत मुश्किल है। देखिए, इतने सारे कपड़े हैं, मैं सब धुलाई करना है और अभी मैं सफाई चल रही है हमारी। देखिए, किचन भी काफ़ी फैला हुआ है, सब सही करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते रहिए हमारे वीडियो को कि मतलब आगे क्या हो रहा है। शाम को 6 बज चुके हैं और सारा काम घर का हो चुका है, अब बस ही बचा है खाना बनाना। देखिए, ये हमारे दोनों बच्चे हैं, इन लोगों का मन नहीं लग रहा है, टीवी चल नहीं रही है, नेट काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आएंगे इनके अबू तो चेक करेंगे, तो इस वजह से इन लोगों का मन नहीं लग रहा है ना। अयान
देखो इधर, टैब नहीं मिल रहा है, एक आदमी को फोन नहीं मिल रहा है, और टीवी भी डेटा नेट खराब है, तो टीवी भी नहीं चल रही है, तो हमारे बच्चों का मन नहीं लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शाम को 6 बज चुके हैं और 6:30 में इनके अब्बू भी आ जाते हैं ऑफिस से, तो मैं चलती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया है, सब काम में लेट हो गया है, और तो आज अभी हम चलते हैं फिर किचन में खाना बनाने। क्या कर रहे हो? खुशी देखिए तुम लोग। गाइस देखिए, अबू आ गए हैं और वो काफी सारा सामान लेकर आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे काफी सारे चिप्स हैं और यहाँ पे लेस करके कुछ लिखा रहता है, तो वहाँ पे और अभी भी लेस लिखा रहता है यहाँ पे, इसमें आपको अलग लेस होता है। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए पूरे 5 पैकेट है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बिस्किट का पैकेट भी मतलब अबू और अपने ऑफिस लेकर आया। अबू के ऑफिस में सारी चीजें मिलती है और ये कोई खरीद के नहीं लाया अबू। और ये यहाँ पे कोका कोला भी है बहुत सारी, और यहाँ पे कब से जूस या मिल्क है यहाँ पे, और यहाँ पे स्प्राइट के पास है, और ये पाइन एप्पल जूस है, ये ऑरेंज जूस है, और यहाँ पे ओरियो बिस्किट है, एक डबल में 4 होते हैं, और ये वहाँ पे है किट कैट छोटे वाले, ये रहे किट कैट। तो वो एक मेरा, एक तुम्हारा, एक मेरा, क्या तुम्हारा ले लेना क्या अमान? ऐसा नहीं करते बेटा, सही से बैठे। अच्छा लग रहा है क्या? पी रहा है
सेवन है। कितना बड़ा तो डब्बा फ्रिज में रखा है, स्प्राइट है शायद, तो मिरिंडा। फ्रेंड्स तो रात को बज चुके हैं 9 और सिर्फ रात में अब हम लोग का डिनर बाकी है। हमने आपको पूरा अपना दिन का रूटीन आज दिखा दिया है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग करेंगे डिनर, काफ़ी रात हो गया है और हम अपना वीडियो आज यहीं बंद करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। और हमारे वीडियो में कोई भी आपको मिस्टेक गलती दिख रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि हमारी वीडियो अच्छी बने, हम लोग अच्छा इम्प्रूव करके आप लोगों को दिखाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।